मैजिकल प्लास्टिक बॉटल व्हीकल्स। हाँ, पुराना सामान खरीदते हैं, पुराना सामान, पुराना पेपर खरीदते हैं, पुराना पेपर्स, पुराने चीज़ भी खरीदते हैं। कहकर चिल्लाते हुए दो आदमी एक गांव में घूम रहे थे। एक का नाम रंगा था और दूसरे का नाम गंगा था, जिसका धंधा उनका था, मगर दोनों मिलके ही गांव में घूमते थे। वैसे ही दोनों गांव पूरा घूम के पुराना पेपर्स, पुराना सामान खरीदते थे। उतना ही नहीं, गांव के बाहर कूड़ेदान में से पुरानी चीजों को भी लेते थे। और उन सबको लाकर पुराना सामान का दुकान में बेचकर पैसे कमाते थे। रंगा अच्छा आदमी था, मगर गंगा चोर दिमाग का था। दोनों कूड़ेदान में से सामान ढूंढने के समय अगर कोई भी अच्छा चीज रंगा को मिलता था तो तुरंत गंगा उसको छीन लेता था। एक बार रंगा को एक कार खिलौना मिला, उसको गंगा ने छीन लिया। अरे अरे अरे, वो कुछ कार खिलौना जैसा है यार, मेरे बेटे को कार खिलौना बहुत पसंद है, मुझे दे दो यार। अरे मेरे बेटे को भी कार खिलौना बहुत पसंद है यार, प्लीज कुछ गलत मत समझना, अगले बार अगर मुझे अच्छा आइटम मिलता है तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, इस बार के लिए छोड़ दो। वैसे ही एक दिन गंगा को एक पहिया मिला और रंगा को एक मिनी ट्रैक्टर खिलौना मिला। अरे यार, वो ट्रैक्टर खिलौना मुझे दे दो, मेरे बेटे को वो बहुत पसंद आएगा, अगर तुमको चाहिए तो ये पहिया ले लो यार, प्लीज ना मत बोलो। अरे यार, हर बार जो भी मिलता है तुम ही ले जाते हो, तुम्हारे बेटे के हाथ में खिलौनों को देखकर मेरा बेटा बहुत झगड़ा कर रहा है, उसको क्या बोलना है भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इस बार तो मैं ये खिलौना नहीं दूंगा यार, कुछ गलत मत समझना। अरे क्या यार, मांग रहा हूँ तो बहुत गमन दिखा रहे हो, शिष्टा पूर्वक वो ट्रैक्टर खिलौना देकर ये पहिए को ले जाओ, इसके साथ तुम्हारे बेटे को खेलने को बोलो, नहीं तो मेरे हाथ से तुम मार खाओगे। कहकर हाथ उठाया, उसकी वजह से बेचारा रंगा घबरा गया और वो दे दिया। ऐसे गंगा ने मिनी ट्रैक्टर और रंगा ने पहिया लेकर निकले। घर आने के बाद रंगा उस पहिया को घर के सामने रखा। बाद में उसका बेटा आकर, बापू बापू, टिंकू के लिए उसका पिता ट्रैक्टर का खिलौना लाया, फिर तुम मेरे लिए क्या लाए हो, कभी भी कुछ भी नहीं लाते है मेरे लिए, ये क्या है, ये पहिया। बेटा, अगली बार तुम्हें मैं अच्छा सा आइटम लाकर देता हूँ, हम इस पहिए से खेलेंगे, चलो देखो उधर प्लास्टिक बॉटल्स पड़े हैं ना, वो लाकर इसके ऊपर रखो और मैं इसे जोर से घुमाता हूँ, तब वो नीचे गिर जाएंगे ना, तो तुम फिर से लाकर पहिए के ऊपर रखना चाहिए, कैसा है ये खेल। हाँ, मेरा मुंह जैसा है ये खेल, ठीक है चलो, और क्या कर सकते है, कुछ तो टाइम पास होना चाहिए है ना। कहकर कुछ प्लास्टिक बॉटल्स को लाकर उस पहिए के ऊपर रखा। तब रंगा ने उस पहिया को घुमाया तो उस पहिया में से प्लास्टिक बॉटल व्हीकल्स निकलने लगे। वो देखकर दोनों हैरान हो गए। अरे ये क्या है, ये तो कोई माया पहिया जैसा है, जाओ और कुछ बॉटल्स लेकर आओ, फिर से घुमाकर देखते हैं। ऐसे बॉटल्स रखकर घुमाने से और भी प्लास्टिक बॉटल व्हीकल्स निकलने लगे। अगले दिन रंगा उनको ठेके पर लगाकर पूरा गांव में घूमते हुए बेचने लगा। आइए बाबू, आइए आइए बच्चे, आइए प्लास्टिक बॉटल व्हीकल्स, प्लास्टिक बॉटल व्हीकल्स, आइए बाबू आइए प्लास्टिक बॉटल व्हीकल्स, कहकर बेचने लगा। ऐसे उनको बेचकर बहुत पैसे कमाया। ये बात जानकर गंगा झगड़ा करने के लिए आया। अरे ओए, शिष्टा पूर्वक मेरा पहिया मुझे दे दो, वो मुझे मिला था, सच में तुम्हें तो वो ट्रैक्टर का खिलौना मिला था, ये लो उसे तुमको दे रहा हूँ, नहीं होगा, नहीं दूंगा, नहीं मानूंगा, ऐसे कुछ कहा तो मेरे हाथों में मारे जाओगे रे। कहकर हाथ उठाकर मारने के लिए देखा। तब बेचारा रंगा घबरा गया और उस पहिया को उसे दे दिया और कुछ नहीं कर पाकर वो ट्रैक्टर को लिया। घर आकर गंगा पहिया के सामने बैठकर, गंगा अरे वाह, आज से मेरा दरिंदर समय खत्म होने वाला है, मैं अब से अच्छे से पैसे कमाऊंगा, वो कचरा जमाने का काम अब से नहीं करूंगा, कहकर उस पहिया पर बॉटल्स को रखकर घुमाया।
बस उसमें से सांप, बिच्छू और 40 अफद निकलकर गंगा को काटने लगे। बाप रे बचाइए, बाप रे मुझे बचाइए, कहकर चिल्लाते हुए उधर से भाग गया। पैया वापस रंगा के पास चली गई और पैया को घुमाते हुए प्लास्टिक बॉटल व्हीकल्स तैयार करके रंगा खुशी से जीने लगा। अमीर वर्सेस गरीब भाई। एक गांव में सत्यदेव नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके दो बेटे थे, अजय और विजय। मरने से पहले सत्यदेव अपने दोनों बेटों से, बच्चों अब मैं ज्यादा दिन नहीं जीने वाला, मैंने अपनी सारी संपत्ति तुम दोनों में बराबर बांट दी है। एक बात याद रखना बच्चों, एकता में ही बल है। ईमानदारी से व्यापार करो और मेरा नाम रोशन करो, यही मेरी आखिरी इच्छा है। सत्यदेव के मरने के बाद विजय अजय से, भैया मेरा हिस्सा अगर मुझे दे दोगे तो मैं शहर में जाकर व्यापार करूंगा। ये क्या कह रहे हो भाई, तुम पिताजी की आखिरी इच्छा तो जानते ही हो, हम दोनों मिलकर यही व्यापार करते हैं ना, तुम्हें शहर जाने की क्या जरूरत है। कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई, अरे मरने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए हम अपना भविष्य खराब करेंगे क्या। जमाना बदल गया है, अब भी अगर ईमानदारी और नैतिकता की बात करेंगे तो दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी, या अगर पैसे हो तो जो भी करें वो सब ईमानदारी है। अब तुम्हारे साथ ये सब बहस करने की हिम्मत तो मुझमें है नहीं, अब मेरा हिस्सा दे दो तो मैं चलता बनूं। हताश होकर अजय ने संपत्ति का बंटवारा किया। विजय ने अपने हिस्से का सारा संपत्ति बेच डाला और शहर में जाकर व्यापार करने लगा। अजय अपने गाँव में ही रह गया। 10 साल बीत गए। विजय ने शहर में अपना धंधा शुरू किया और करोड़ों रुपए कमाने लगा। पर बेचारा अजय जो कुछ करता उसमें नुकसान ही होता। उसने अपनी सारी संपत्ति बेच डाली और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर चला गया। अजय की पत्नी काजल, क्यों जी आपका भाई विजय इधर ही रहता है ना, एक बार जाके उसको पूछो ना, शायद आपकी मदद कर दे, वैसे भी ये शहर अनजान है। विजय, अरे उसे तो गांव छोड़े हुए 10 साल बीत गए, वो तो हमसे एक बार भी मिलने नहीं आया, मुझे यकीन नहीं है कि वो हमारी मदद करेगा, हम अपनी जिंदगी जी लेंगे। अजय ने शहर में पैसे कमाने के लिए एक ठेले में भेलपुरी बेचने लगा। कुछ दिनों बाद अजय की पत्नी काजल, सुनो जी ये भेलपुरी बेचकर जो पैसा मिलता है उससे हमारा गुजारा नहीं होने वाला, और कितना दिन ऐसा आधा पेट खाकर गुजारा करेंगे, हमारे लिए ना सही अपने बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ करना होगा, वैसे भी वो आपका सगा भाई है, वो आपके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। कल विजय का जन्मदिन है, मैंने उसके लिए खास लड्डू बनाए हैं, आप जाकर उसे लड्डू दीजिए और उसे कुछ मदद मांगिए। तुम कहो तो मैं उसे लड्डू जरूर देकर आऊंगा पर उसे मदद नहीं मांगूंगा। अगले दिन अजय काजल के बनाए हुए लड्डू लेकर विजय के घर गया। वहाँ उसने देखा कि विजय का कार पैसों से भरा हुआ था, कार के ऊपर भी पैसों के ढेर थे, वो कार के बोनट पर बैठकर नोटों के बंडल को हाथ में लेकर फोटो खिंचवा रहा था। अजय हाथ में लड्डू लेकर काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। तभी एक नौकर आया। साहब आपको बुला रहे हैं। भाई तुम हो, मैंने तुम्हें इस हाल में देखा तो सोचा कि कोई भिखारी है। अजय ने उसकी बातों को अनसुनी करते हुए, तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर तुम्हारे भाभी ने तुम्हारे लिए लड्डू भेजे हैं, मैंने सोचा वो लड्डू तुम्हें देता जाऊं। आप लोग जिस हाल में हैं इसकी जानकारी मुझे जब तब मिलती रहती है, अगर ईमानदारी और नैतिकता के बारे में सोचते हुए मैं भी धंधा करता तो आज मेरा भी यही हाल होता। मैं पागल नहीं हूँ जो ये ना जानूं कि तुम मुझे इतनी दूर ढूंढते हुए क्यों आए हो। वो नोटों के बंडल देख रहे हो, वो मेरे सोसाइटी में नाम को ऊंचा करने के लिए और अपना ओहदा बढ़ाने के लिए काम में आएंगे, तुम तो जानते ही हो ना कि बिना फायदे के मैं कोई काम नहीं करता। अब तुम जा सकते हो, दिल से मैं तुम्हें सिर्फ लड्डू देने आया था, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। कहकर उसने लड्डू वहाँ रखे और घर चला गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन विजय नोटों से भरा सूटकेस लेकर विजय के झोपड़ी पर गया।
देखकर लगता है कि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। ये लो, ये सूटकेस भर के पैसे हैं। तुम्हें और जितनी जरूरत होगी उतने रुपए दूंगा, तुम बस मेरी एक मदद कर दो। अजय बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए चुप रहा। विजय को बहुत गुस्सा आया। मदद मांगा तो मैं तुम्हारे सामने छोटा हो गया? कुछ बोलते क्यों नहीं? ऐसे सूटकेस तुम्हें और कितने चाहिए, बोलो। मैं जानता हूँ कि तुम कैसे मदद मांगोगे, मुझे तुम्हारे हर बात की जानकारी है। मैं खुद ही कल अस्पताल आने की सोच रहा था। तुम्हें मुझे एक रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, हम दोनों का एक ही खून है। तुम्हें बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने जो पिताजी से वादा किया था वो मैं कभी नहीं भूला। तुम अपना नोटों वाला सूटकेस ले जाओ। काजल के समझ में कुछ नहीं आया। एक हफ्ते के बाद विजय का किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ। अजय ने अपने भाई के लिए किडनी का दान किया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भाई, मैंने पैसे कमाने के लालच में नीति और रिश्तों को भूल गया था। इस डर से कि कहीं तुम्हें पैसे ना देने पड़े, मैंने तुम लोगों को दूर रखा। तुम्हें देखकर समझ में आया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं दुनिया में जिन्हें पैसों से नहीं खरीद सकते। भाई हम अपने गांव चलते हैं। इस तरह अजय और विजय अपने गाँव लौट गए। अजय ने जो संपत्ति बेचा उसे वापस खरीद लिया। अपने पिताजी की आखिरी इच्छा के अनुसार दोनों भाइयों ने धंधा शुरू किया और खुशी खुशी रहने लगे।